हे गाइस, वेलकम टू इंडिया डिजिटल टच। मेरा नाम है देवाशीष और एमएक्स का एक बजट ईयरफोन है वन एक्स, तो इसी का मैं आज अनबॉक्सिंग रिव्यू करने वाला हूं। और इस ईयरफोन को यूज़ करते हुए मुझे 24 घंटे से भी ज़्यादा समय हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी पैकेजिंग से। तो पैकेजिंग को निकालने के बाद इसका जो बॉक्स है वो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ यहाँ पे एमएक्स वन एक्स का ब्रांडिंग है और इसके जस्ट साइड की तरफ यहाँ पे इसका कुछ खास फीचर्स लिखा गया है, जैसे कि एमएक्स साउंड सिग्नेचर, एक्सटर्नल नॉइज आइसोलेशन, मल्टी फंक्शनल साउंड कंट्रोलर, मिनिमल फॉर्म फैक्टर। और इसके जस्ट अगर मैं ऑपोजिट साइड की बात करूँ तो यहाँ पर भी इसका कुछ फीचर्स लिखा गया है, जैसे कि 6 नैनोमीटर नैनो डायनेमिक ड्राइवर्स के साथ में आता है, 20 से 20 किलोहर्ट्ज़ तक इसका फ्रीक्वेंसी रेंज है, टेंगल फ्री कोड है जो कि एक अच्छी बात है, और 3.5 mm गोल्ड प्लेटेड जैक है जो कि एक और अच्छी बात है। तो बॉक्स कंटेंट्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहां पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बजट ईयरफोन के अंदर आप लोगों को इस तरीके का एक केस देखने को मिल जाता है जो कि एक अच्छी बात है, ट्रैवलिंग के टाइम आपको फ़ायदा होगा। और इस केस की अगर मैं बात करूं तो केस का जो क्वालिटी है अच्छा है। ऊपर की तरफ आप लोग को यहाँ पर AMX का ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाएगा और इसके अंदर आप लोग को ईयरफोन और दो एक्स्ट्रा ईयर टिप देखने को मिल जाएगा। तो अब अगर मैं बात करूँ इस ईयरफोन की तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, इस ईयरफोन को एक तरफ से यूनिक किस्म का बना देता है क्योंकि इसमें आपका जो हाउसिंग है बहुत ही छोटा सा है, जिसकी वजह से आपके कानों के अंदर ये आसानी से फिट हो जाएगा। तो इसी वजह से इसमें एक यूनिक किस्म का लुक देखने को मिल जाता है। और ये जो हाउसिंग है वो प्लास्टिक से बनाया गया है और राइट साइड हाउसिंग के जस्ट नीचे आप लोगों को यहाँ पे कंट्रोलर देखने को मिल जाएगा। और सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पे बटन्स की बात करूँ तो 3 बटन्स दिया गया है, प्लस कॉल अटेंड या फिर आप कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, और नेक्स्ट यहाँ पे माइनस, और जो मिडिल वाले बटन है उसमें आप कॉल डिस्कनेक्ट, कॉल अटेंड, उसके अलावा म्यूजिक को प्ले या फिर पॉज वगैरह भी कर सकते हैं। उसके जस्ट ऑपोजिट साइड अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे AMX का ब्रांडिंग है और एक होल दिया गया है माइक के लिए। और इसके जस्ट थोड़े से नीचे की तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को एक जंक्शन देखने को मिल जाएगा जो कि मेटल से बनाया गया है। और अगर मैं इस 3.5 mm जैक की बात करूं तो ये गोल्ड प्लेटेड के साथ में आता है। और ख़ास बात इसमें एक और चीज़ है कि इसमें भी आपको एक कवर देखने को मिल जाएगा और इस जैक में ही आप लोगों को AMX का ब्रांडिंग है। और ये जो 3.5 mm जैक है ये मेटल से बनाया गया है। और ये जो ईयरफोन का जो वायर है वो टेंगल फ्री है जो कि एक अच्छी बात है। और इस ईयरफोन के साथ आप लोगों को 1 साल का वारंटी भी देखने को मिल जाएगा जो कि एक और अच्छी बात है। ओके, तो फाइनली अब अगर मैं बात करूँ इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में तो इसमें जो मिड्स लोज है वो अच्छा है, इसमें जो वोकल्स वगैरह है वो भी अच्छे से सुनाई वगैरह देता है, और इसमें जो ट्रेवल है वो कुछ ज़्यादा यहाँ पे है, लेकिन इसका जो बेस है वो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कम लगा। अब बहुत सारे लोगों का अलग अलग टेस्ट होता है, बहुत सारे लोगों को बेस ज़्यादा पसंद होता है, बहुत सारे लोगों को जो वोकल्स है, मिड्स है, लोज है, और फिर जो ट्रेवल्स वगैरह है उनमें ज़्यादातर फोकस रहता है, तो ये उन्हीं यूज़र्स के लिए है। तो अगर आप इन यूज़र्स में से हैं तो आपको डेफिनेटली इस ईयरफोन को एक बार ट्राई करना चाहिए। और अगर आप लोगों को इस ईयरफोन को परचेस करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका बेस्ट बाय लिंक है, वहां से जाके आप इस ईयरफोन को परचेस कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों के मन में और भी कुछ डाउट्स वगैरह है तो अपनी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी तरीके का और फैंटास्टिक वीडियोस आगे देखने के लिए आप इंडियन डिजिटल टच को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।